25 दिन पूर्व लापता हुए युवक का तालाब के किनारे नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की पहचान दिलीप कुमार निवासी भूरा वाली गली के रूप में परिजनों ने की है। पुलिस ने कंकाल को सील कर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। मृतक की बहनोई ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक को खोज निकालने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। बॉडी मिली है दादूपुर के स्कूल में सर, क्या पूरा मामला है सर, कितने दिन से लापता है सर? देखिए ये चाचूपुर ग्राम का प्राथमिक विद्यालय है, इससे लगा हुआ तालाब ये है कह लेंगे, क्योंकि यहाँ जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है, पानी है भी और ये जलकुंभी जिसको कहते हैं ये है। इसमें यहाँ पे एक शव प्राप्त हुआ है, जो अभी तक जो कपड़े आदि प्राप्त हुए हैं और जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे ये प्रिजम्पशन है, ये मान लिया जा रहा है कि यह शव दिलीप गुप्ता जी का है। दिलीप गुप्ता जी की यहाँ चाचूपुर में एक दुकान है और ये 20 तारीख से 20 जनवरी से ये गायब थे और इनकी गुमशुदगी, इनके जो जीजा जी हैं विकास गुप्ता जी, उन्होंने इनकी गुमशुदगी लिखाई थी। आज ये शव प्राप्त हुआ है, हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और घटना में जो भी तथ्य हैं जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे एक्चुअल घटना क्या है इसका हम पता लगाएंगे। हत्या है या फिर ये कोई घटना है? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचा जाना, क्योंकि काफ़ी पुरानी डेड बॉडी है और जानवरों ने भी कुछ नोचा वोचा है उसको, तो ऐसी स्थिति में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही बता पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।